नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। क्योंकि दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर तक लॉकडाउन अपने देश में जारी रहा, उसी के चलते जो रिटेलर्स है उसमें सिर्फ इसेंशियल गुड्स वाले रिटेलर्स है उनकी शॉप्स ओपन की गई, जैसे मेडिकल हो, ग्रॉसरी हो, ये वाले बिजनेस जो है ये हमेशा ओपन रहे। लेकिन जो बंद रहे वो है नॉन इसेंशियल सर्विसेज वाले रिटेलर्स। तो वो रिटेलर जो है वो अब पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इन्होंने एक पिटीशन दाखिल किया है। इन्होंने अपने पिटीशन में दो इम्पॉर्टेंट डिमांड करी है। इन्होंने सबसे पहले डिमांड करी है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमसे जो प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे या फिर रिन्यूअल फीस ले रहे या फिर लाइसेंस फीस ले रहे वो अब रद्द करनी चाहिए। लॉकडाउन पीरियड के में हमसे ये सारे टैक्सेस गवर्नमेंट ने नहीं वसूलने चाहिए, ये पहली डिमांड रखी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला था कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है उनके कारण इनके बिजनेस को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो ब्रेक द चेन गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस आया था उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे, तो ई कॉमर्स के खिलाफ भी एक्शन लो, ऐसा भी मुद्दा फेडरेशन ने गवर्नमेंट के सामने, मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखा है। तो आइए करते हैं हम इस बारे में बातचीत की उन्होंने पिटीशन में कौन से मुद्दे रखे हैं। उन्होंने अपने पिटीशन में बोला है कि गवर्नमेंट जो है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो 23 मार्च 2020 से अलग अलग लॉकडाउन के गाइडलाइंस दे रहे हैं। उसमें इसेंशियल शॉप्स है वो ओपन है, लेकिन नॉन इसेंशियल सर्विस देने वाले रिटेल्स की शॉप जो है वो हमेशा बंद रही है। और उन्होंने गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट को जब भी चाहिए उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें कोई भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। राज्य में लगभग 13 लाख से ज़्यादा रिटेलर्स है और 45 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज वो रिटेलर्स के यहाँ काम करते हैं, उतने नौकर उनके यहाँ काम करते हैं। रिटेलर जो है उन्हें अपने शॉप है उसमें एम्प्लॉयज का पगार देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी भरनी पड़ती है और साथ ही साथ रेंट, प्रॉपर्टी और बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। भले ही दुकान को लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ये दुकानें बंद है, तो भी इनके खर्चे जो है ये जारी रहे हुए हैं। उन्होंने ऐसा बोला था कि लॉकडाउन जो है हमारे राज्य में हमेशा कंटिन्यू रहा है और ये डिफ़िकल्ट हो गया है रिटेलर्स को कि अपने एम्प्लॉयज़ को काम पे रखने के लिए, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को नौकरी से भी निकाल सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इच्छा है कि हमारा एक बिजनेस है उसमें कैपिटल इंजेक्ट किया जाए, तो उसी के चलते वो डिमांड कर रहे हैं हमारे ऊपर कोई भी टैक्सेस ना लगाए जाए। लॉकडाउन में रिटेलर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाया, क्योंकि उनका सारा प्रॉफिट होता है वो उनके कंज्यूमर्स पे होता है। नॉन इसेंशियल गुड्स सर्विसेज देने वाले होते हैं वो पूरे कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, तो उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है। उन्होंने गवर्नमेंट को कई बार लेटर्स लिखे, गवर्नमेंट को बोला कि हमारा आप टैक्स माफ़ कर दो, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका कोई भी टैक्स माफ़ नहीं किया है। उन्होंने आगे ऐसा भी बोला है कि बहुत सारे स्मॉल स्केल वाले जो बिजनेसेस है उनको MSME में ऐड नहीं किया गया है, और MSME में ऐड नहीं किया गया है इसी के कारण उनको गवर्नमेंट के तरह तरह के स्कीम्स के जो अनाउंसमेंट होते हैं उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो यही है उनका, रिटेलर्स का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट जो है, मतलब उसको आप ऑर्डर करो, बॉम्बे हाईकोर्ट को उन्होंने बोला है कि आप गवर्नमेंट को ऑर्डर करो कि वो हमसे कोई भी टैक्सेस ना उठ ले, और साथ ही साथ वो जो ब्रेक द चेन का जो स्कीम लाए थे, गाइडलाइन लाए थे गवर्नमेंट, वो गाइडलाइन जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने तोड़ा है, तो वो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ले। ये दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे इन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइट डे।